हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई फिलहाल हमें ले लद्दाख में और हमें मिले हैं सर जो कि निकले हुए हैं भाई 7000 किलोमीटर की राइड पे गुजरात से लद्दाख और लद्दाख से फिर बहुत सारी चीज़ें कवर करते हुए गुजरात। तो सर क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कितने स्टेट कवर करने हैं गुजरात से यहाँ पहुँचने में और यहाँ से फिर वापसी? मैं गुजरात से निकल कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और ये लेह लद्दाख करके पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली और मनाली होके राजस्थान होके गुजरात जाने वाला हूँ। मुझे ए इंडिया की बाइक पर, बजाज प्लेटिना पर गर्व है और बजाज पर भी गर्व है कि ऐसी बाइक बनाई है जो पूरा इंडिया घुमा सके। भाई 6 स्टेट कवर करके 7000 किलोमीटर की ट्रिप पे निकले हैं, अभी तक 3000 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और आप खर्चा सुनोगे हैरान हो जाओगे। और सुनो, 85 की माइलेज दे रही है मुझे रोड पे और पहाड़ों में 70 की माइलेज दे रही है, मुझे नाज है बजाज पर। और अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हो ना सर, और हाँ सबसे इंटरेस्टिंग, सर प्रोफेसर है गुजरात में, सर को अवार्ड मिल चुका है जो गुजरात गवर्नमेंट है उससे, और सर बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड और बहुत सीनियर आदमी है, 53 एज है सर की। और अगर सारी बैक स्टोरी जाननी है ना भाई, पूरा व्लॉग देखो, मज़ा आ जाएगा और सर का सपोर्ट करो। चलो यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई फिलहाल हम हैं लेह लद्दाख में, पीछे आप देख के समझ भी गए होंगे कि हम लेह लद्दाख में हैं। ये जर्नी स्टार्ट हुई जस्ट यहाँ पे एक रैंडम फ़ोटो से और हमें मिले सर। सर की बात आप सुनोगे ना तो भाई आज के यूथ के लिए सर आइडल से कम नहीं है, मतलब इतनी सरप्राइजिंग स्टोरी है इनकी और इनकी जो जर्नी है वो सही में काबिल तारीफ है। तो एक काम करते हैं, शुरुआत सर से ही करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आर के पटेल। अच्छा, आप करते क्या हो? एसोसिएट प्रोफेसर हूँ MG साइंस कॉलेज नवरंगपुरा अहमदाबाद गुजरात। अच्छा, से गुजरात से। और मैं ऐसे सोलो ट्रैवल करने का मेरा शौक है। अच्छा, तो गुजरात में तो मैंने 600-700 किलोमीटर का ट्रैवल किया है, मगर इस साल मुझे 6000 किलोमीटर का ट्रैवल्स करने का। अच्छा, एक माइंडसेट है कि इतना करना है। हाँ। तो करना था तो 30 दिन के लिए मैं निकला हूँ। अच्छा, घूमते घूमते आज गुजरात से लेह पहुँच गया हूँ। अच्छा सर, इससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूं, आप ओवरऑल कितना घूम चुके हो अभी तक? अभी मैं गुजरात से निकल नहीं कर... नहीं नहीं, वैसे मतलब लाइफ की बात करूं, 50 साल की आपकी 50 साल की 53 की एज में मैं वहां सिक्किम और दार्जिलिंग। अच्छा, 15 दिन घुमा हूं पूरा। नॉर्थ ईस्ट कवर हो गया आपका? चार धाम हो गया है। ठीक है, उत्तराखंड भी कवर हो गया आपका? मेरा वो श्रीनगर उस मणिमहेश की यात्रा भी मैंने की है। ठीक है, और गुजरात भी आपने कवर कर लिया है। फिर नीचे मैं MP में पंचमढ़ी और अमरकंटक वो सब कर लिया है। तो लगभग लगभग इंडिया घूम चुके आप? नहीं, नीचे का पोर्शन बाकी है, वो रामेश्वर तक जाना है बाइक लेके। लगभग लगभग तो घूम ही चुके हैं। बहुत घूमा है ना। आप घूमते कैसे हो? मैं अपनी प्लेटिना बजाज पे इस बार निकला हूँ। अच्छा, वैसे कैसे घूमते थे आप अभी तक? पहले तो हम ट्रैवल्स में या फिर ट्रेन में निकलते थे। ठीक है, ट्रेन में मैं अकेला बंदा सोलो निकलता हूँ। अच्छा जी। हाँ भाई, सर की एज 53 है और 53 में प्लेटिना लेके गुजरात से और यहाँ पहुँचे हैं ले में। 3000 किलोमीटर का ट्रैवल था अभी तक का हो गया है। और अभी भाई बहुत आगे जाना है सर को। सर फिलहाल का एक वैसे टूर का एक छोटा सा वो दे दो गाइड। मैं अहमदाबाद से 15 तारीख को निकला, 550 किलोमीटर वन डे कवर करके पुष्कर रात को। एक सिंगल दिन में? सिंगल दिन में प्लेटिना पे। हाँ। अच्छा। फिर पुष्कर से मैं निकला, दूसरे दिन पुष्कर घूम के 9:30 बजे तो सीधा हिसार आ गया। अच्छा, सीधा हिसार हरियाणा। हिसार रात को ढाबे पे रुका। हाँ। फिर हिसार से सुबह निकला। हाँ। तो पठानकोट आ गया। पठानकोट से पहले 10 किलोमीटर ढाबे पे रुका। हाँ। वहीं से निकला। हाँ। तो सीधा 2 बजे मैं वैष्णव देवी की यात्रा के लिए कटरा पहुंच गया। कटरा 3 दिन रहा वैष्णव देवी। पहले वैष्णो देवी होके आए हो? यस, वैष्णव देवी से फिर मैं पहलगाम गया। 2 दिन पहलगाम रुका। हाँ। चंदनवाड़ी, बेताब वैली, आरू वैली, ठीक है, फिर मिनी स्विट्जरलैंड सब करके। अच्छा, वहीं से निकला सिंथन टॉप। अच्छा, जो बहुत बढ़िया प्लेस है। हाँ, ठीक है। मैं सभी ट्रैवलर्स को बोलना चाहता हूँ, अगर आप पहलगाम से श्रीनगर आ रहे हैं तो वो दिन में सिंथन टॉप ले लेना, बहुत बढ़िया प्लेस है। सिंथन टॉप से मैं श्रीनगर आया। अच्छा, श्रीनगर आराम करके दूसरे दिन सीधा गुलमर्ग गया। ठीक है, गुलमर्ग में मेरे पास वो टिकट नहीं था गोंडोला राइड्स का, तो मैंने जंगल में ट्रैवल करके बाइक से नहीं, जो राइड शुरू होती है ना। अच्छा, वहीं से ट्रैकिंग करके। अच्छा, फर्स्ट फेज तक गया, 2 घंटा घूमा। अच्छा, फिर वहीं रास्ते से वापस आकर। अच्छा, शाम को। हाँ, होटल पहुंचा।
दूसरे दिन पूरा साइट सीन किया श्रीनगर का, ठीक है, और तीसरे दिन निकला वहीं से सीधा जोजिला पास को क्रॉस करते हुए। जोजिला से? अच्छा, आपने कश्मीर वाला रूट ले लिया, ठीक है। जोजिला क्रॉस करते हुए मैं कारगिल पहुंचा, नाइट स्टे मैंने कारगिल लिया, ठीक है। और बाइक पे मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, प्लेटिना 100cc को लेके आज मैं बजाज पर भी गर्व करता हूँ। हमारा बजाज जो एड था उसको सही बताता हूँ। तो बाइक की एवरेज भी कितनी जा रही है? बाइक की एवरेज बताऊँ तो आप मुझे आप मान नहीं पाओगे। अभी तक मेरा 3000 का ही पेट्रोल हुआ है भाई साहब। मतलब डेटा मेरे पास है, सब डेटा मेरे पास है, कहाँ पेट्रोल पुरवाया सब लिखता हूँ, डायरी बनाता हूँ। भाई दिल्ली से हम निकले, सर मैं बीच में काट रहा हूँ बात को, दिल्ली से हम निकले हैं, यहाँ पहुँचे 1000 किलोमीटर में ले पहुँच गए हम, और अभी तक हमारा जो तेल है ना लगभग 12-15 हज़ार रुपये का डल चुका है। सर आपका 3000 रुपये का तेल और बिना टोल टैक्स। हाँ ये भी है, बिना टोल टैक्स अपनी बढ़िया बाइक चलती है, ना मेंटेनेंस है ना कुछ। नो मेंटेनेंस है। मैंने श्रीनगर में ऑयल चेंज करवा के सर्विस करवा दी जब 3000 चला ली करनी पड़ती, और अब मैं यहाँ ले आज साइट सीन कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं वहाँ करगिल से हम निकले तो फिर आते वक्त पत्थर साफ कर लिया, संगम कर लिया। अच्छा, लाया मुरी वो मोनेस्ट्री है वो भी कर लिया, ठीक है। फिर नाइट को यहाँ आ गए। अच्छा, ले सुबह में अपने होटल पे सब कपड़े वपड़े धो के 10 बजे में निकला हूँ अभी। अच्छा, यहाँ के सारे डेस्टिनेशन खत्म होने को आए हैं। हाँ, पैलेस कर लिया है। हाँ, वो मोनेस्ट्री कर लिया है। हाँ, बाजार घूम लिया है। हाँ, और यहाँ शांति स्तूपा पर आ गए। हाँ, और आपसे मिलके मुझे बहुत बढ़िया मजा आया यार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक महीने में इनके 10,000 रुपये खर्च होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी ट्रिप। मेरा 25,000 का प्लान है, 25,000 में ट्रिप खत्म करनी है। बहुत बढ़िया इकोनॉमिक ट्रैवल्स करके मैं अपने बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार घर से निकल जाओ, बहुत अच्छा है। कोई ट्रैवल में तकलीफ नहीं है, न तो कोई पुलिस की हैरानगति है, न कोई चीजें। जिस बंदे से मैंने मदद हेल्प चाहिए तो पूरा हेल्प मिला है, और ट्रैवल करने से नॉलेज भी मिलती है। इतने लोगों से मिला हूँ, इतने छोटे लोगों से भी मिला हूँ, इतने बड़े लोगों से मिला हूँ, सब प्राउड करते हैं जब मेरे बारे में सुनते हैं, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। पर मेरे को ऐसा लगता है सर ना, ट्रैवल नहीं करते सर, एक्सप्लोर करते हैं। मतलब अभी तक जो बात समझ में आई ना, जैसे मार्केट भी कर ली, सब चीजें कर ली, तो इनका मतलब ट्रैवल के साथ एक्सप्लोर ज्यादा। हाँ, और मैं पूरा सब जगह का वीडियो बना के अपने फ्रेंड्स को, बच्चों को भेज रहा हूँ। तो सर आप जो फ्रेंड्स बच्चों को भेज रहे हो, डेटा का यूसेज कर रहे हो, तो वो आप यूट्यूब पे तो डाल सकते हो। मैं इस टाइम पे, इस एज पे, इतनी बड़ी ट्रिप आपकी, अगर आप डाल दोगे सोलो ट्रिप बजाज प्लेटिना पे, तो सर बजाज तो गर्व करेगी, देश भी गर्व करेगा कि कितनी बड़ी बात है। मैं वो सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ, मगर यूट्यूब पर मैं इसलिए काम नहीं करता कि मेरा का वो टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है ना थोड़ा कम है। अच्छा, मैं मुझे दूसरों के साथ करवाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, और मेरा जो मेन फोकस है गुजरात में वो पर्यावरण है। समझ गया। तो मैं पॉल्यूशन कैसे कम रहे, इसलिए हम प्लांटेशन का काम करते हैं। हमारा एक एनजीओ है, हाँ, गुरुचरण ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो अहमदाबाद में अभी तक बहुत सारे पेड़ लगा चुका है। अच्छा, 25,000 पेड़ को हम संभाल रहे। अच्छा, और मैंने खुद अपनी लाइफ में 1,500 पेड़ बड़े खुद ने किए अहमदाबाद में। उसका मुझे अवार्ड भी गुजरात सरकार से मिला है, प्रशस्ति। अच्छा, पत्र मेरा डीएनए में बहुत लेख भी है, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। पर सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मगर यूट्यूब करने वाले बहुत है। ये पर्यावरण के लिए काम करने वाले बहुत कम लोग है, तो मैं अपना वो पोर्शन छोड़ना नहीं चाहता। नहीं सर, आप अपील करो ना हमारी ऑडियंस से, हमारी ऑडियंस इस चीज के लिए हेल्प करेगी आपकी। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो बढ़ रहा है पॉल्यूशन, उसको कंट्रोल करने के लिए आप कम से कम पेट्रोल का यूज करें, डीजल का यूज करें, और जहां जरूरत है यूज करें, मिस यूज मत करें। ग्रीन एनर्जी का यूज करें, और पेड़ लगाए, कम से कम एक तो लगाए दो यार, पेड़ लगाए। अगर पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे, और हमारी पीढ़ियां इस पृथ्वी को एंजॉय कर सकेगी, वरना हम बहुत गलत कर रहे हैं। सर वैसे एक बात है, अगर आप ये चीज़ YouTube चैनल पे आप डालोगे ना, मतलब एक एडिटर तो आपको कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा आपको आएगा इम्पैक्ट, पर आप ये जर्नी डालोगे ना, अगर जब आप डालोगे लोग आपको पसंद करेंगे, तो आपकी रिक्वेस्ट पे लोग पेड़ भी लगाएंगे और आपको रिवर्ट भी करेंगे, और उससे आप देखो कितने मैसिव स्केल पे ऑल ओवर इंडिया में आप काम करोगे। देखता हूँ, मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है, वीडियो और फोटोग्राफ। मेरा भांजा काम कर रहा है फोटोग्राफी का, उसको बोल देता हूँ अगर कुछ वो करना चाहे तो एक यूट्यूब चैनल बना के 10-15 एपिसोड मेरी लेह लद्दाख कश्मीर
हिमाचल। अरे सर आप मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ। मेन अपनी जो उसमें प्रायोरिटी रखना, वो रखना बजाज प्लेटिना। बजाज प्लेटिना पे सोलो राइड करी इंडिया की या जो भी आपकी 3000 हाँ। किलोमीटर की, 3-6-7 हो जाएगा मेरे ख्याल से, हो जाएगा घर जाऊंगा तो आप उस पे लिखना बजाज प्लेटिना 6000 किलोमीटर राइड, बस सोलो राइड, और उसी में आप देखना सुपर डुपर रेट और अपनी एज लिख दोगे ना सर, मैं कह रहा हूँ बंदा बिलीव नहीं करेगा। ओके, तो मैं आपके सजेशन से सोचना शुरू कर दिया है कि घर जाके जल्दी से जल्दी जो मैंने सब संभाल के रखा है मेरे कैमरे में, उससे एक यूट्यूब चैनल बना के पूरा 10-15 समझ गया एपिसोड वगैरह एपिसोड बना के मैं डाल दूंगा। सर भाई सर के भी आप पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और बजाज का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने जो बजाज प्लेटिना जो नई दी है, इतनी इकोनॉमी दी है, वो मैं मेरे हिसाब से वो हमारा जो एटमोसफियर है उसका भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कम पेट्रोल में ज़्यादा माइलेज, सही बात वो है, बहुत सही बात। लेकिन सर बजाज ना, बजाज आपका शुक्रिया अदा करेगा इस काम को करने का। और दूसरी बात ये कि भाई सर इतना टाइम दे रहे हैं और इतना बड़ा मतलब इतना चीज़ जो कर रहे हैं सर, और सर ने हमें भी टाइम दिया, उसके लिए मैं तो एक ही अपील करता हूँ भाई, लाइफ में कम से कम एक तो लगा ही दो यार, एटलीस्ट एक पेड़ तुम लगा दोगे ना, वो मेरी तरफ से सर के लिए ट्रिब्यूट हो जाएगा, आपकी तरफ से हो जाएगा। और इतनी बड़ी सोलो राइड सर कर रहे हैं भाई, हैट्स ऑफ है सर के लिए, बहुत बड़ी बात है कि आप इस एज में वो भी कर रहे हो, मतलब इनकरेज कर रहे हो। 5 तारीख को मैं पेंगोंग लेक पर मेरा बर्थडे एंजॉय करने वाला हूँ, 1 तारीख है मेरा है बर्थडे। सर आप हमारा नंबर लेना, कुछ सीट जो आप रिकॉर्ड करोगे ना वहाँ पे, तो वो कुछ हमें सेंड करना, फिर हम डालेंगे 100% डालेंगे। भाई सर को थोड़ा सा सपोर्ट करो, और वीडियो पे सपोर्ट करेगा तो भाई मैं सर की जो आईडी होगी ना फेसबुक वगैरह कुछ नहीं, मैं अभी बहुत मुश्किल से वो ही कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में मेरा हाथ बहुत कम चलता है। चलो कोई बात वो नहीं, वो मेरी मजबूरी। अरे भाई तो मजबूरी, मगर अब कर लेंगे, बंदे बहुत है मेरे। ये वीडियो जब चलेगी ना सर, सब अपने आप करेंगे। ओके तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें टाइम देने के लिए। हाँ। बहुत बड़ी बात थी, मतलब मैं जब मैंने सुना ना ये सब चीज़ें, मैं खुद ही नहीं रोक पाया अपने आप को। भाई मेन ये था कि आप लोग ये समझ पाओ, हमने तो सर से समझ लिया था, आपको दिखाने के लिए हमने ये एपिसोड बनाया है कि आप समझ पाओ कि सर ने की है सोलो राइड 6000 किलोमीटर की, वो भी बजाज प्लेटिना पे। कोई भी ग्लोव्स ब्लोव्स कुछ नहीं हो, सिर्फ एक हैंड ग्लोव्स नॉर्मली। अच्छा, मतलब कोई राइड गियर नहीं बैठते, कोई गियर नहीं। अपने अहमदाबाद के जो 3 जोर कपड़े हैं पुराने, हाँ वो भी नए नहीं खरीदे। अच्छा, और एक नाइकी का बूट लेके निकल गया हूँ। भाई साहब, भाई सर ने 6000 किलोमीटर की सोलो राइड की है, वो भी बजाज प्लेटिना पे, हैट्स ऑफ भाई सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। थैंक यू सो मच, मजा आ गया सर आपसे बात करके। मुझे भी आपसे मजा आ गया। हाँ, और मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग बंदे सर करो, तभी मजा आएगा। और ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम लेह लद्दाख से, सबसे बड़ी बात है ऐसी जगह लेह लद्दाख, फिर वहाँ शांति स्तूपा जो विश्व की शांति के लिए। आप भाई हमारे सामने देख भी सकते हो। बाकी फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में, किसी नई चीज के साथ में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक नई चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सर आपने हमें किया है और लोगों की किया, बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को किया। हम सबको यही एडवाइस देते हैं कि एंजॉय करो लाइफ को, मगर ये अर्थ को डैमेज मत करो भाई, पॉल्यूशन मत करो। मैं कह रहा हूँ इस वीडियो पे लाइक करो ना करो, एक लाइक बराबर एक पेड़ है भाई, एक पेड़ लगा देना। बेशक इस वीडियो को लाइक मत करना, पर एक पेड़ जरूर लगा देना भाई। सर की तरफ से मेरी ये अपील है, सबको नमस्कार। नमस्कार।